गुस्से पर काबू पाना। कहते हैं कि एक दिन किसी शख्स ने भरे मजमे में फर्जंद रसूल हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की साहत मुकद्दस में तौहीन करते हुए आपको नाशायस्ता अल्फाज के साथ पुकारा। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, यहां तक कि वो गुस्ताख शख्स वहां से चला गया। इसके बाद फर्जंद रसूल हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को मुखातब करार देकर फरमाया, आप लोगों ने इस शख्स की बातें सुनी, अब मेरे साथ चलें, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। असहाबे इमाम ने कबूल किया और आपके पाबरकाप होकर उसके घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में असहाब सोच रहे थे कि इमाम इंतकाम लेने की गरज से इस शख्स के घर तशरीफ ले जा रहे हैं। जब हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस गुस्ताख शख्स के घर के नजदीक पहुंचे तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी। वो शख्स बाहर आया तो आपने फरमाया, ए भाई, अगर वो बातें जिनकी तुमने मुझसे निस्बत दी है मेरे अंदर पाई जाती हैं तो मैं खुदा से मगफिरत तलब करता हूं, और अगर मैं इन बातों से उबर्रा हूं तो खुदा से इल्तिजा करता हूं कि वो तुझे बख्श दे। वो शख्स अपने किए पर नादिम हो चुका था, चुनांचे वो इब्तिदा में खामोश रहा और उसने कुछ ना कहा। और उसके बाद आगे बढ़ा और इमाम के चेहरे अनवर को बोसा देकर माजरत खाही की और फिर कहने लगा, यबना रसूलल्लाह, जो बातें मैंने कही हैं मैं उनका सजावार हूं और बेशक आप ऐसी बातों से मुबर्रा और पाक हैं।